चलिए। आप भी चलिए। हाँ तो पहले आप। अरे आप ही का घर है ना, मुझे थोड़ी पता है कुछ। ऊपर चलना है? हाँ जी। वैसे घर तो बहुत प्यारा है आपका। थैंक यू। हाँ हाँ जी, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, प्यारा सा। कहाँ जाना है वैसे? छत पे? नहीं। फिर यहाँ से लेफ्ट लेना है। अच्छा। इधर भी तो रूम्स है ना, इधर भी जा सकते हैं। नहीं, वो बाकी लोगों के हैं, ताऊजी ताईजी लोगों के हैं, यहाँ पे मेरा है। अच्छा, ये आपका रूम है? नीट एंड क्लीन है यार। एक बात बताऊं क्या? शादी के पहले ही आप हमें अपने बेडरूम तक ले आए। यू कैन स्माइल, मैंने जोक किया है जस्ट, और कुछ नहीं। स्माइल कर सकते हो, बस एक जोक था छोटा सा। बैठिए। आप भी? अच्छा है घर भी, अच्छा है रूम तो बहुत ही अच्छी है। और बताइए। क्या बताऊं? वो बात करने के लिए भेजा था इन लोगों ने, बताइए कुछ। आप पूछिए, क्या पूछना है आपको? वैसे तो कुछ सब खास नहीं है, बट तो कि कुछ हॉबीज तो होगी ना। जैसे कि सिंगिंग। क्या? रीडिंग एंड सिंगिंग। वाओ। और बस यही। एजुकेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, राइट? हाँ जी। जॉब लगने वाली थी, लेकिन पापा ने शादी का रख दिया तो फिर नहीं करा। जॉब करना चाहते हो फ्यूचर में? अगर पॉसिबल हो तो जरूर। Nice. और बताइए, आपको सिंगिंग पसंद है? हाँ जी। बुरा ना लगे तो कुछ गा के सुना अभी। शर्माने की जरूरत नहीं, हम दोनों ही हैं सिर्फ। जरूरी है? नहीं मतलब बस ऐसा लग रहा है आपको। किस बात का? एकदम से थोड़ी ना, नर्वसनेस है इतनी। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। अच्छा तो आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना। अरे पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्या पूछो? जो मर्जी। अच्छा मैं कुछ पूछूं? पूछिए। आपने अभी कहा कि आप जॉब लगने वाली थी बट पापा ने शादी की बात रखी है, तो आप नहीं करना